नमस्कार, मैं रविश कुमार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए और खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी 104 पर रुक गई, बहुमत से 8 सीट दूर। कांग्रेस 78 पर, जेडीएस 37 और बसपा 1 पर। दोपहर तक हार से निराश कांग्रेस ने अचानक सबको चौंका दिया, जब बीजेपी को बहुमत से दूर हटता देख, खिसकता देख मौके को भांपा और अपना पत्ता चल दिया। कांग्रेस ने जेडीएस के कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की और कुमारस्वामी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। दोनों के पास संख्या बहुमत से ज्यादा है, 116। इससे पहले तमाम विश्लेषणों में दावे के साथ कहा जा रहा था कि सीटें कम होंगी तो जेडीएस के सहयोग से बीजेपी सरकार बना सकती है, यानी बीजेपी के लिए भी जेडीएस बुरी पार्टी नहीं हो सकती थी। बस बुरा ये हुआ कि जेडीएस कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है। चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जेडीएस नेता देवेगौड़ा की तारीफ भी करते रहे और कांग्रेस की तरफ से उनके अपमान का सवाल भी उठाते रहे। ऐसे में अब बीजेपी के लिए भी जेडीएस को बुरा कहना मुश्किल हो जाएगा। मगर इसी जेडीएस को कांग्रेस ने चुनाव में आरएसएस की बी टीम कहा था। दोपहर तक कांग्रेस जेडीएस की बी टीम हो चुकी थी। दिन की शुरुआत होते ही तस्वीर बताने लगी कि जेडीएस ने अपनी पकड़ तो बनाए रखी है, मगर बीजेपी बहुमत की संख्या पर पहुंचकर उसकी भूमिका को उसने खत्म कर दिया है। किंग मेकर और किंग को लेकर मजाक उड़ने लगा कि किंग मेकर ही घर पर बैठा रह गया और किंग कोई और बनने वाला है। मैंने भी चुटकी ली, मगर कांग्रेस के प्रस्ताव के बाद कुछ देर के लिए किंग बनने जा रहे येदुरप्पा भी सकपका गए होंगे, जब यह देखा होगा कि किंग मेकर खुद कहीं किंग ना बन जाए। फिलहाल कुमारस्वामी और कांग्रेस अब सब मिल चुके हैं। हमने, हमारी पार्टी ने नेशनल लेवल से ही और यहां तक सब ने मिलकर ये तय कर लिया है, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस को मिलाकर नंबर बनता है। हम 117 एमएलएज बनते हैं और सरकार बनाने के लिए 111 ही चाहिए, क्योंकि 3 जगहें खाली है और बीजेपी के साथ पास सिर्फ 104 सीटें हैं, तो हम उनसे बहुत ज्यादा आगे हैं। तो हमने कहा कि चूंकि हम सत्ता में थे, हम हार गए, तो इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम समर्थन देंगे जेडीएस को सरकार बनाने के लिए और मुख्यमंत्री उनका होगा। देखिए, बहुत सीधा सा था कि हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद से कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब जो रिजल्ट्स आए हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट आया, बीजेपी को मेजोरिटी मिली नहीं, और कांग्रेस और जेडीएस दोनों बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, और हम लोगों को देश देख रहा था हमारी तरफ कि जेडीएस और कांग्रेस ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं। तो कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया और हम धन्यवाद करते हैं कांग्रेस। बीजेपी हाथ में आई सत्ता को कैसे जाने दे। गोवा मणिपुर में उसने सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को छका कर रोक दिया। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को छका दिया। बीजेपी कांग्रेस की रणनीति के जवाब में अपनी चाल चलने लगी, जबकि एक वक्त साफ बहुमत से उसकी सरकार बनती दिख रही थी, लोग बधाइयां दे रहे थे। येदुरप्पा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, राज्यपाल से मिलने गए। येदुरप्पा के साथ अनंत कुमार, सांसद शोभा करंदलाजे, राजीव चंद्रशेखर राजभवन गए। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि बीजेपी ने अपना दावा किया है कि सबसे पार्टी है, इसलिए सरकार बनाने का मौका मिले। बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल ने उनकी जो उनकी चिट्ठी है वो स्वीकार कर लिया, मगर कोई तारीख नहीं दी। ये शाम 5:30 बजे की बात है। येदुरप्पा बार बार आज दिन भर कहते रहे कि 100% उनकी ही सरकार बनने वाली है। कर्नाटक प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने बेंगलुरु रवाना किया है। सुबह से रुझान में बीजेपी ने बढ़त ही नहीं बनाई, बल्कि साफ बहुमत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन अचानक सांप और सीढ़ी के खेल की तरह 99 पर पहुंचकर नीचे सरकने लगी। देखते देखते ढोल नगाड़े उसके दफ्तरों में थम गए। बिहार में भी ऐसा हुआ था, बीजेपी ने पहले ही जीत का जश्न मना लिया, लेकिन बाद में महागठबंधन की सरकार बनी। ये और बात है कि अब बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। नतीजे आने के साथ ही न्यूज फ्लैश होने लगा कि अमित शाह 3:00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन देर शाम आए बीजेपी के नेता अपनी जीत की प्रतिक्रिया में उत्साहित थे, मगर सब कुछ ठंडा पड़ गया और वो सब होने लगा जिसे बाहर नहीं बताया जा सकता था। आज का दिन पूरे कर्नाटक की जनता के प्रति हमारी कृतज्ञता का दिन है, जिन्होंने बीजेपी के इस युगांतकारी विजय को विश्वास के साथ पूरा किया है। आज के दिन हम बहुत ही विनम्र हैं, हम कोई अनावश्यक टिप्पणी नहीं करेंगे। कौन प्रधानमंत्री के इस बनने के सपने क्या देखता था,
आज का दिन काम करने का दिन है। हम ईमानदारी से कर्नाटक को केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। हाँ, एक बात मुझे कहना जरूर है, ऐसे हमारे मित्र जो हर चुनाव में हमारी परीक्षा की अपेक्षा करते हैं, वो कभी क्या सोचेंगे कि देश के साथ उनकी सोच कितनी मिलती है। एक कांग्रेस का अहंकार को लोगों ने उत्तर दिया। कांग्रेस का अहंकार इतना था, इसीलिए पूरा लोगों ने इसको उत्तर दिया, कांग्रेस मुक्त कर्नाटक बना दिया। और उधर कांग्रेस के नेता देवेगौड़ा पर के घर पहुंचने लगे, फोन से बातचीत होने लगी। कांग्रेस के अमीर विधायक डीके शिवकुमार एक निर्दलीय विधायक को लेकर पहुंचे और कहा कि आला कमान का जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे, हम कर्नाटक में सरकार चाहते हैं। नागेश निर्दलीय जीते हैं जिन्हें कांग्रेस ने समर्थन दिया। उनका दावा है कि दूसरा निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस में रह चुके हैं। शिवकुमार ने वो कहा कि वो कांग्रेस का समर्थन करने वाले हैं। अगर कांग्रेस इन दो निर्दलीय विधायकों पर अपनी पकड़ बनाए रखती है तो फिर बीजेपी के लिए नंबर जुटाना और मुश्किल होगा। इन दो के सहारे कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की संख्या 118 तक पहुंचती है। क्या ये निर्दलीय विधायक अपना पाला बदलेंगे या फिर कांग्रेस के साथ रहेंगे, यह सब कुछ बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सिद्धारमैया कुमारस्वामी आपस में अभी एक और विजुअल दिखेगा जिसमें बात कर रहे हैं और राजभवन के भीतर राज्यपाल से मिलने के पहले। और राजनीति देवेगौड़ा ने ये वो तस्वीर है जो दोनों एक दूसरे से अलग रहे। देवेगौड़ा ने कभी कहा था कि मैंने सिद्धारमैया को मौका दिया, आगे बढ़ाया, मगर मेरी पीठ में चूरा भोग दिया। अब वही सिद्धारमैया उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनसे बात कर रहे हैं। ये कमाल कुर्सी और सत्ता का है। गुलाम नबी आज़ाद, सिद्धारमैया, शिवकुमार, कुमारस्वामी राजभवन गए, सिद्धारमैया किनारे बैठे रहे, मगर ये पूरी तस्वीर नहीं होती। हालांकि फिर भी लोग कहते हैं कि इसमें बहुत कुछ झलक कर आ रहा है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद कुमारस्वामी के साथ ऐसे बैठे थे जैसे वही कांग्रेस के नेता हो। सबकी निगाह राज्यपाल वजूभाई वाला पर है। ऐसे वक्त में राज्यपाल पर ही निगाह होती है, मगर राज्यपाल की निगाह कहीं और होती है कि उस तरफ से क्या इशारा आता है। ये और बात है कि सबसे पहले येदियुरप्पा सरकार बनाने का दावा कराए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट कर अपना दबाव बढ़ाना शुरू किया। जब राष्ट्रपति के आर नारायणन ने 12 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, तब एक साफ और संवैधानिक मिसाल कायम की थी। सुरजेवाला ने के आर नारायणन के पत्र का क्या एक हिस्से का उदाहरण भी दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब कोई पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन की पार्टियां स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल कर पाती हैं तो राज्य का प्रमुख भारत में या कहीं भी पहला अवसर पार्टी या पार्टियों के समूह को दे जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती हो, जिसे एक निश्चित समय के भीतर सदन के पटल पर बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। क्या बीजेपी पार्टी तोड़कर सरकार बनाएगी? बहुमत कहां से ले आएगी? क्या बीजेपी इसके लिए कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों में सेंध लगाएगी? क्या देवेगौड़ा अपनी पार्टी को बचा सकेंगे? खबर है कि मायावती ने देवेगौड़ा को मनाने में भूमिका अदा की है। दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और देवेगौड़ा उनका काफी सम्मान भी करते हैं। सुबह से कुमारस्वामी के घर पर सन्नाटा पसरा था, मगर कांग्रेस के का प्रस्ताव आते ही वहां रंगत बदल गया। घर पर चहल पहल बढ़ गई। ढोल नगाड़े वाले बीजेपी के दफ्तर से वहां पहुंच गए। सिद्धारमैया ने दावा किया कि कांग्रेस और जेडीएस के पास नंबर है, इस बार बीजेपी को सफलता नहीं मिलेगी, राज्यपाल को कानून के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। कुमारस्वामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। सिद्धारमैया भले ही दूसरी बार सीएम ना बन पाए, मगर उनकी पार्टी के समर्थन से दूसरी बार मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बनेंगे। क्या इस खेल में कांग्रेस और जेडीएस मिलकर बीजेपी को मात दे पाएंगे या बीजेपी के पास अब भी ऐसे दांव हैं जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं है? गोवा और मणिपुर का उदाहरण दिया जा रहा है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगर पोस्ट पोल कोएलिशन के पास मेजोरिटी स्पष्ट तौर से है तो संविधान और कानून की परिपाटी केवल एक बात कहती है कि उस पोस्ट पोल कोएलिशन को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने के अलावा कोई और संविधानिक या कानूनी चारा नहीं। 13-3-2017 को माननीय अरुण जेटली साहब ने, जो सरकार के कानूनी सलाहकार भी हैं प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने कहा इन ए हंग असेंबली इफ मेजोरिटी ऑफ द इलेक्टेड एमएलए सपोर्ट ए कोएलिशन द गवर्नर वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली bound in inviting the leader of the majority coalition to form the government। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा साहब और निहाल किदवई जो कर्नाटक चुनाव को और बेंगलोर से हमारे लिए कवर करते हैं, लगातार बने हुए हैं। आज उनका दिन काफ़ी थकान भरा रहा होगा निहाल, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि
तोड़फोड़ की बातें बहुत हो रही हैं, क्या अभी आपको इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि किसके पाले से कौन टूटने वाला है और कौन जा सकता है? देखिए, इसी जोड़ तोड़ की कोशिश से बचाने के लिए कुमारास्वामी अपने विधायकों को कर्नाटक से बाहर ले जाने की फिराक में है। यहां तक कहा जा रहा है कि शायद विदेश भी ले जा सकते हैं, श्रीलंका या सिंगापुर। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है। एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद पंजाब ले जाएंगे ताकि तोड़ फोड़ ना हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस तरह के माहौल में तोड़ फोड़ की जो संभावना है उससे आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं। बीजेपी की तरफ से 3 वरिष्ठ नेता बेंगलुरु पहुंच रहे हैं और उसके बाद देखिए कि यहाँ जो राजनीतिक गतिविधि है वो काफी तेज होने वाली है। येडियुरप्पा, जैसा कि आपने देखा और खुद कहा भी कि कुमारास्वामी से पहले पहुंच गए और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि संवैधानिक तौर पर, चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, ऐसे में ये उनका संवैधानिक हक है। लेकिन अब ये देखना है कि लेकिन जो आंकड़े हैं वो अभी जेडीएस और कांग्रेस के साथ है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजभवन का और गवर्नर का जो विवेक होता है उससे काम लेने की जरूरत होती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि ऐसे मामलों में राजभवन की जो को जिस मकसद से स्थापित किया गया था, इस संस्था को जिस मकसद से स्थापित किया गया था, ऐसे मामलों में हमेशा उस पर सवालिया निशान लगता रहा है। चाहे जिस भी पार्टी के केंद्र में सरकार रही हो, कहते हैं कि उसने हमेशा राजभवन का दुरुपयोग किया है, राज्यपाल का दुरुपयोग किया है और इसको लेकर कई बार बड़ी बड़ी चर्चाएं हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब यहां देखना है। जी निहाल, ये देवेगौड़ा और सिद्धारमैया के बीच में बहुत बनती नहीं है, लेकिन क्या अब ये जो अलायंस है जेडीएस का और कांग्रेस का, जो पहले नहीं हो सकता था किसी भी तरीके से, लोग बताते हैं, आप लोग भी बता रहे थे, जो जानकार है जो वहां की राजनीति को समझते हैं, क्या आपको लगता है कि इनकी सरकार टिकेगी? क्योंकि जब देवेगौड़ा ने जेडीएस ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रयास किया था कर्नाटक में, उनका भी अनुभव बहुत लंबा, बहुत दूरी तक नहीं, वो बहुत दूर तक साथ नहीं चल पाए थे। देखिए, इसमें दोनों के पास, जेडीएस और कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर कांग्रेस कर्नाटक से साफ हो जाती है तो पंजाब और पुडुचेरी के अलावे पूरे देश में कहीं और नहीं होगी। तो ये कांग्रेस की भी मजबूरी है और जेडीएस की भी मजबूरी है। पिछले 12 सालों से वो सत्ता से बाहर है और ऐसी सूरत में अगर उन्होंने इस मौके को खो दिया तो कितने निराश होंगे उनके नेता, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब हम राजभवन के बाहर इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारे जेडीएस के हमें कार्यकर्ता मिले, जो कि बूथ लेवल पे जेडीएस के वोटों को मैनेज करते हैं, लोगों को लेकर के आते हैं, वो डेडिकेटेड काडर है। उनका यह कहना है कि लंबे अरसे से हम सत्ता में नहीं है, किसी भी तरह से कुमार अन्ना, वो लोग प्यार से कुमार स्वामी को कुमार अन्ना कहते हैं, कि कुमार अन्ना को यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और चूंकि मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर इस बार वोट दिया है, क्रिश्चियंस ने बड़े पैमाने पर आस्था जताई है देवेगौड़ा में, ऐसे में देवेगौड़ा की भी यह मजबूरी है कि वो जेडीएस कांग्रेस का ही साथ दे, इससे उनके जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं वो बचे रहेंगे और इसलिए दोनों ही पार्टी की ये मजबूरी है। और ऐसे में शायद इस बार का जो गठबंधन है वो अगर वो चलता है, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक दलित उप मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है और उसमें कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी परमेश्वर का नाम सामने आ रहा है, तो शायद ये गठबंधन लंबा चलेगा क्योंकि ये मजबूरी का गठबंधन होगा। इसके अलावा इन दोनों के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हमसे जानकारी देने के लिए वहां पर। फैजान साहब, अब एक बातचीत हो रही है राज्यपाल की भूमिका की। हाँ, आपके साथ कई कार्यक्रम में जब अरुणाचल प्रदेश का मामला हुआ, गोवा का मामला हुआ, उत्तराखंड का मामला हुआ, उस पर हमने बात की है। पर आज हमारे सुभाष कश्यप साहब श्रीनिवासन जैन के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो आपके साथ चर्चा में कभी नहीं आई, पर मैं उसी से शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि फिर आगे और भी बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि As the student of the constitution, एक छात्र के रूप में, I would only say there are two things in world here. वो जो कह रहे थे हम उसको ट्रांसक्राइब करके लाए हैं। One, the appointment of chief minister and second, the question of majority support. So far as appointment of chief minister concerned, the constitution is very clear. It says the governor shall appoint the chief minister. क्या ये बात सही है?
हाँ रवीश, ये बात सही है कि ना तो प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट के बारे में और ना मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट के बारे में संविधान में कहीं ये लिखा है कि बहुमत दल के नेता को बनाया जाएगा। अच्छा। ना संविधान में ये लिखा है के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी सबसे बड़ी उसके नेता को बनाया जाएगा। इनफैक्ट आपको रवीश ताज्जुब होगा कि संविधान में 1985 से पहले पार्टी शब्द ही नहीं था। पार्टी शब्द पहली बार 52वें संशोधन से आया जब राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया, दल बदल वाला कानून। और यह भी बड़े मजे का कानून था कि अगर आप अकेले दल बदल कर रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर दल बदल करना है तो लार्ज स्केल कीजिए, एक 1/3 को तोड़िए और दल बदल कीजिए। तो ये बात सही है कि गवर्नर का ये डिस्क्रिशन है, लेकिन डिस्क्रिशन के बारे में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी बात हो रही थी कि बेंच बनाने पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डिस्क्रिशन है। कोई भी डिस्क्रिशन जो है वो अनब्रिडल्ड पावर नहीं है कि आप डिक्टेटरशिप कर सकते हैं, आप जो चाहें उसमें करें। देखिए संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि संविधान में कुछ चीजें तो लिख दी गई और बहुत सी चीजें जिसमें से एक ये चीज शामिल है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट क्या होगा, ये नहीं लिखी गई। और ये एक कन्वेंशन पे बेस्ड है और कन्वेंशन ये है कि अगर बहुमत मिला है तो बहुमत को बनाया जाए। मेन बात डेमोक्रेसी में नंबर्स है। अब अगर प्री पोल अलाइंस से नंबर है तो वो हो जाएगा, पोस्ट पोल अलाइंस से नंबर है तो वो नंबर हो जाएगा। ये पूरी डिबेट मैंने जो कुछ चैनल्स भी देखी अभी पिछले 1.5 घंटे में, इसमें रवीश एक बेसिक पॉइंट हम मिस कर रहे हैं जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को बुलाया जाए। एक तो आपको मालूम है कि अभी गोवा में और मेघालय में और मणिपुर में ऐसा नहीं हुआ और कई जगह ऐसा नहीं हुआ। आप ने यहाँ पे सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ जबकि बीजेपी की ज्यादा सीटें थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल पार्टी थी, उन्हें नहीं बनाई थी। देखिए मेन बात ये है कि ये अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कोई ये नहीं कह रहा कि हम दो मिलके बहुमत में हैं, तब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। अच्छा, यहां क्योंकि दो ने मिलकर बहुमत कर लिया तो अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस क्वेश्चन से बिल्कुल बाहर हो गई है, चाहे वो चुनाव पूर्व गठबंधन हो चाहे चुनाव पोस्ट चुनाव हो, उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि नंबर हो गया। अगर आप बहुमत तक पहुंच गए किसी तरह तो अब गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। अब रवीश देखिए, क्या ये भी डिस्क्रिशन नहीं है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको पहले बुलाएं? जैसे नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है क्योंकि बहुमत हो गया। अगर कांग्रेस क्लेम ना करती तब उनके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाना होता। आप ये देखिए कि जब 1989 में राजीव गांधी के 193 सीटें थी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, उनको बुलाया भी गया, उन्होंने कहा नहीं हम सरकार नहीं बनाना चाहते। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को शायद ये करना चाहिए था, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी और वैल्यूज जिनकी हम बात करते हैं कि जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया, इसलिए जो अपोजिशन पार्टी है जिसके ज्यादा सीटें आई हैं उसे बनने दें। लेकिन रवीश देखिए, तीन तलाक के केस में एक पॉइंट आया था जिसे लोगों ने समझा नहीं और बड़ी बहस हुई कि साहब ये कहा जा रहा था कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि साहब तीन तलाकें सिनफुल हैं बट लीगल है। और उनका साहब ये कैसे हो सकता है, जो चीज सिनफुल है वही इलीगल है? लॉ एंड मॉरेलिटी में एक डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस यहां है, जो ये दो पार्टी साथ में आई हैं ये लगता है इमोरल है, क्योंकि देखिए कांग्रेस कह रही थी कि ये आरएसएस की ब्लू टीम है, लेकिन ये लीगल है। ये इमोरल हो सकता है लेकिन ये लीगल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल है। और क्योंकि अब इनके पास बहुमत हो गया इसलिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मोरल विक्ट्री है, लेकिन उसको बुलाना इलीगल हो सकता है। यस, क्योंकि नंबर उनके पास है। अब आप मेजोरिटी को निगेट नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस को यह गठबंधन नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करनी है और वो ये बताना चाहते हैं कि हम वैल्यूज की और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी पे चलना चाहते हैं, क्या हो रहा है कि पहले बीजेपी रवीश कह रही थी वी आर अ पार्टी विद डिफरेंस, नतीजा ये लगा कि वो कांग्रेस की तरह निकले और अब कांग्रेस ऐसा लग रहा है बीजेपी की तरह निकल रही है। और दोनों के बड़े अतीत में उदाहरण है और दोनों यही कर रहे हैं कि 50 राज्यपालों के करतूतों के उदाहरण दे रहे हैं इधर से और कुछ उधर से दे रहे हैं। एक बार बार जिक्र आ रहा है एसआर बोमई केस का, जो 89 में कांग्रेस की सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया था और 1994 में यह फैसला आया था, तब उनकी सरकार बहाल नहीं हो पाई थी एसआर बोमई की, उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात की जा रही है। वास्तविक स्थिति क्या है कि सदन में बुलाकर टेस्ट हो
लेकिन किसे बुलाया जाए क्या उसमें ये स्पष्ट है क्या? रवीश फिर मैं कहूंगा कि ये डिबेट आधे दिन से अनइन्फॉर्म्ड डिबेट रही। अनइन्फॉर्म्ड देखिए एसआर बोमाई का जो केस था वो ये था कि किसी की सरकार है और उसको हटा दिया जाए ये कह के कि उसने बहुमत खो दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि बहुमत खो दिया किसी मुख्यमंत्री ने ये फ्लोर पे टेस्ट करो, उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं। ये घटना है इलेक्शन के बाद जब बड़े पढ़े लिखे लोग भी इसमें इसका जिक्र कर रहे हैं, मैं भी घबरा गया। एसआर बोमाई का इसके लिए रेलिवेंट केस बिहार का है 2005 का रामेश्वर प्रसाद का, जहां किसी को बहुमत नहीं मिला, न जेडीयू को मिला न आरजेडी को मिला, और कुछ दिन ये और एलजेपी ने रामविलास पासवान ने कह दिया कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे और ओथ तक नहीं हो पाई मेंबर्स की एमएलएस की। और बूटा सिंह साहब ने ये कहा कि साहब ये जो जेडीयू है ये लोगों को रिश्वत दे रहे हैं, ब्राइबरी दे रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है और उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। तो वो केस ज्यादा रेलिवेंट है देन एसआर बोमाई के। लेकिन एसआर बोमाई में ये जो बात कही जाती पहले ये करें पहले वो करें, ये सरकारिया कमीशन एक 1987 में बना था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे। उस सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने कोट की थी, लेकिन इसमें कहीं ये संविधान की रूह से नहीं है कि गवर्नर बाउंड है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाने के लिए। लेकिन अगर बहुमत किसी के पास नहीं है एक दल या दो दल या तीन दल मिलके, तब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाना है। अगर बहुमत हो गया तो गवर्नर का डिस्क्रिशन खत्म हो गया। अभी इसमें गोवा का उदाहरण दिया जा रहा है, मणिपुर का उदाहरण दिया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हम बड़ी पार्टी थे और गोवा में कांग्रेस का बीजेपी के 6-6 कैबिनेट मिनिस्टर हार गए थे, उनका मुख्यमंत्री सीटिंग जो था वो हार गया था और वो आदमी जो सरदेसाई थे कोई उन्होंने उनसे अलायंस किया बीजेपी ने, जो बीजेपी को ख़त्म करने के लिए चुनाव में आए थे। ठीक जेडीएस और कांग्रेस का मतलब दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने की तो बात नहीं कर रहे थे, पर वहाँ भी एक इमोरल अलायंस जैसा था। पर कांग्रेस की शिकायत है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी नहीं बुलाई गई। ये बुलाने नहीं बुलाने का क्या मामला, आपको दावा करना पड़ता है या गवर्नर बुलाते हैं? नहीं, दावा करना चाहिए, दावा लेकिन करना इसमें चाहिए। ये नहीं है कि एक रेस हो रही है गवर्नर हाउस के पास के कौन पहले पहुंच गया और आज भी ये दुरप्पा पहले पहुंच गए, ये बात नहीं है। गवर्नर का ऑफिस, ये अजीब गरीब बात है, गवर्नर के ऑफिस में मैं आपको बताऊं कि भारत के ब्रिटिश राज से पहले एंशियंट पीरियड में भी, प्राचीन काल में भी और पूरे मेडिवल पीरियड में भी, मुगल पीरियड और दिल्ली सल्तनत में गवर्नर्स जो होते थे वो बगावत करते थे सेंटर के अगेंस्ट। अच्छा, जब अंग्रेजों की यहां हुकूमत आई तो लॉयल गवर्नर आने लगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल थे। हिंदुस्तान में आजादी के बाद जब गवर्नर का इंस्टीट्यूशन बनने लगा तो बड़े इंटरेस्टिंग सजेशंस रवीश आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि साहब नॉन पॉलिटिकल इमिनेंट एकेडमिशियन बनेगा, असेंबली जो है वो उसको चुन ले। सरदार पटेल ने कहा नहीं स्टेट चुन ले उसको। उसके बाद जयप्रकाश नारायणन ने कहा कि स्टेट असेंबली जो है वो चुन के चार नाम भेज दे और राष्ट्रपति जी उसमें से एक को चुन लेंगे। और बाद में अंबेडकर के कहने पे ये तय हुआ कि भाई क्योंकि मुख्यमंत्री भी इलेक्टेड हैं, अगर हमने गवर्नर भी इलेक्टेड ले लिया तो दोनों में आपस में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए गवर्नर नॉमिनल हेड बना दिया गया, उसका इलेक्शन खत्म कर दिया गया और यह हुआ कि सेंटर अपॉइंट करेगा। अब सरकारिया कमीशन ने भी यह कहा कि साहब चीफ मिनिस्टर से पूछा जाए, नहीं पूछा जाता। जितने गवर्नर्स हैं वो सब के सब पपेट्स हैं सेंटर के, जितने गवर्नर्स हैं वो सेंटर का रूल स्टेट में लागू कर रहे हैं। मैं समझता हूं गवर्नर्स ने जितने देश के संघात्मक शासन प्रणाली का जो संविधान का बुनियादी हिस्सा है उसको नुकसान पहुंचाया है, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। ये माना जाता है कि गवर्नर अच्छा रवीश वो है जिसकी टांग टूटी हो और वो राजभवन में रह के कुछ किताबें नॉवेल वगैरह पढ़ता रहे, लेकिन हमारे गवर्नर्स जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिशियंस अक्सर रहे हैं, जिनकी अभी पॉलिटिक्स खत्म हुई उन्हें अपॉइंट, और वो सेंटर के बिहाफ पे स्टेट में पॉलिटिक्स करते हैं। क्या होगा अगर बीजेपी अड़ जाए कि वही सरकार बनाएगी तो क्या फिर कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा? नहीं, कोर्ट का भी रास्ता मैं ये समझता हूं कि ये मामला के गवर्नर का सेटिस्फेक्शन कि किसके पास मेजॉरिटी है ये अदालतों में ना ले जाएं तो बेहतर है, इसलिए क्योंकि एक और डॉक्ट्रिन है पॉलिटिकल थिकेट डॉक्ट्रिन कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो है वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करे ना कि कोर्ट्स डिसाइड करे। लेकिन अगर गवर्नर इसमें जिनके पास मेजॉरिटी है उनको नहीं बुलाएंगे तो कोर्ट के पास जाएंगे,
लेकिन जितनी हमारी पॉलिटिक्स की रियलिटी है रवीश, तब तक कुछ लोग टूट जाएंगे जेडीएस से, कुछ लोग रिजाइन कर देंगे कांग्रेस से, और इवेंचुअली मेजोरिटी हो जाए। क्योंकि एक झगड़ा और ये भी है कि डिस्क्वालिफिकेशन में स्पीकर तय करता है कि डिस्क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, और बड़े बड़े पार्टीजन स्पीकर रहे हैं, जो आजकल गवर्नर है वेस्ट बंगाल के त्रिपाठी साहब, वो यूपी में बहुत पार्टीजन वो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नर को अपने ओहदे और संविधान को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन अभी उनके पास नहीं है। अगर बहुमत कोई दो दल मिलकर कह रहे हैं हमारे पास है, तो उनको सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए और उनसे कहा जाए कि आप तीन दिन में या दो दिन में अपनी मेजोरिटी साबित करें, और अगर वो मेजोरिटी नहीं साबित करते तब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास जाएंगे। ये उल्टा नहीं हो सकता कि पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला लें, बहुमत को छोड़ के। ये भी नहीं होना चाहिए कि एसआर मुंबई का बुमाई का केस इसमें कोर्ट किया जाए, क्योंकि वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है ना कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर मौजूद है और बहुमत खो दिया, वो उस पे लागू है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब।